कोई चांस नहीं है भाई। और आज हम एवरेज कराची के गली के चौड़े की बात करने वाले हैं। ये लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर गली हर मोहल्ले में मिलेंगे। हेलो। और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी मिलेंगे। प्रोफेसर आपको कैसे पता मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? प्रोफेसर नोज एवरीथिंग। ओह वाओ, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लान छपरी। आई गॉट इट। इनका एक रिश्तेदार दुबई में बैठा होता है और दूसरा रिश्तेदार कनाडा में बैठा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं लोगों की जो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं जिनके पास चाय पीने के पैसे भी नहीं होते। इन बदमाशों का स्टार्टर पैक होता है व्हाट्सएप स्टेटस। अब जब तक ये कोई टिकटॉक से वीडियो उठाकर व्हाट्सएप स्टेटस में ना लगाए जिसमें एक हाथ में इनके गन हो और दूसरे हाथ में ब्लैक वीडियो का स्टेरिंग, जब तक इनकी सुबह का शुरुआत ही नहीं होती। पीछे इनके पीपल्स पार्टी का गाना चल रहा होता है और आगे 70,000 लोंडे इनके साथ खड़े हुए होते हैं। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते। ऐसी वीडियो लगाने के बाद ये अपने आप को चौड़े समझते हैं। असल में ये लोग बेरोजगार होते हैं और इनके पास करने को कुछ भी नहीं होता। इनको जानता तो कोई भी नहीं, लेकिन ये हर बात में आपको बोलेंगे तू जानता है मैं कौन हूँ, नहीं तू जानता है मैं कौन हूँ। ये वही होते हैं जो लुंडा की शर्ट पहनने के बाद बोलते हैं ये मेरे फलाने रिश्तेदार ने मुझे कैनेडा से सेंड करी है। अब बारी आती है इंग्लिश की, जो बोलना तो इनको नहीं आती लेकिन छोड़ना जरूर आती है। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों की बात हो ही रही है तो क्यों ना कर लेते हैं। वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही। हमारे यहाँ नीचे से शुरू होने वाली चीजों में आर्टिस्ट की कदर आज भी पहले नंबर पर है। ओवररेटेड चीजों में शाबिर जाफरी आज भी दूसरे नंबर पर है। तो इनको बताओ टोनी कक्कड़ के गानों पे नाचने से तुम खून नहीं दिखोगे। बेइज्जती सिर्फ उर्दू जबान का लफ्ज ही नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जो टिकटॉकर की हर कोई करता है। हार के जीतने वाले को फासीगर कहते हैं और पैसे लेके हारने वाले को अफगानिस्तान कहते हैं और जो जानबूझ के हार जाए उसे हसन अली कहते हैं। आयशा फ्रॉम डीएचए बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा हैंडसम है यही काफी है, महंगाई कुछ भी नहीं होती। इनका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। इनको इस गली का एड्रेस दो। वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही। बोल टीवी पे 30,000 लोगों ने एक साथ ले ली हुसैन तरीन की तस्वीर। एक टिकटॉकर ने अपनी उम्र सही बताई, 13 साल। क्या मतलब 13 साल? हाँ 13। What? 13? नहीं, जब बता रहे हैं तो सही बताई होगी ना। मैट्रिक और इंटर वालों के ग्रेड्स के लग गए बहुत अच्छे से। हमेशा की तरह कराची वालों के साथ हुआ, इस बार भी हुआ। क्या मतलब नई बात है? एक टिकटॉकर एक प्रोफेशनल टिकटॉकर होता है, चाहे उसके 200 फॉलोअर्स हो या 2,000। बाइक वालों को गालियां देके एक बंदे ने बताया अपनी कैरी। एक बंदे को लग गई ठंड, मालूम करता है उसने डकी बाइक की वीडियो लूप में देखी। Close your eyes and you will see the future of average Karachi guy. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काले फ्यूचर की। दुनिया में मोस्ट यूजलेस चीजों में टट्टी आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे निदा यासर का दिमाग आता है। अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी को? इसी तरह मुजरा खाना सिर्फ जगह नहीं बल्कि बोल टीवी का सेट भी है। Let's talk about some dark
stark reality of our society. Just close your eyes and you will see the future of average Karachi guy. नहीं नहीं मैं माँ बाप बेचने वाले की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अपने बायो में एक्टर लिखने से कोई एक्टर बन नहीं जाएगा। तो कंक्लूजन इज दिस, आजकल सिर्फ दो चीजें ट्रेंड करती हैं। नंबर वन फॉलोअर्स, नंबर टू शिटी कंटेंट। सही पहचाना, मैं स्लोमो वाली ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। भैया भैया एक स्लोमो तो अब तो बना दो स्लोमो। अगर तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है और तुम्हारे पास फॉलोअर्स नहीं है तो बत्ती बना लो उस टैलेंट का, क्योंकि तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। क्योंकि हगने की जगहों में बाथरूम आज भी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर टिकटॉक है। अनम फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी कहती है आर ओपिनियन बेटर, इनको कोई कचरे का डब्बा ला के दो। तो यार बस आज के लिए नहीं, अगर यार बस आज के लिए नहीं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, 100 लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर पहले से किया हुआ यार 1500 करवा दो, यार 1500 करवा दो, अगर करवा दो ऐसे ही मिलते हैं कि अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं भी धोनी कक्कर के गानों पर नाचूं। अगर 1500 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं भी धोनी कक्कर के गानों पर नाचूंगा। और बेल आइकन बहुत जरूरी है आज की वीडियो पे, मैंने डिसाइड करा है हर बेल आइकन दबाने वाले को बोल दी है ऑडिशन मेरी तरफ से, नहीं नहीं मतीरा के साथ मैं भी जा रहा हूँ। से धुन में गुम निकाले कैसे दिल में घुस के सुनते सुनते मेरे मुझे चलते रस्ते भी धुन में आज उन पे मिल के हंसते दिन बदल चले जो फेम की चश्मे नहीं था बस में खाई हुई खुद से कस में लिखता सच में दौड़े नस में देखे सद में दुखती रखिए जाने रब ये लिख रहा कब से वजन मेरी जबान में कलम उठे शान से फखर होता है काम दे कीड़े निकलेंगे कान से छुएंगे आसमान ये कला को हम पहचानते खड़े करें हम रोंगटे रैप को असल नाम दे यारों के लिए जानते फूलों में भी हो कांटे मुसाफिर हैं हम मानते मरेंगे सीना तान के दीवाने जैसे शाम के काम थे लोग सामने साथ दे मेहरबान से सड़क को फड़क के वो डरे मेरी झलक से सड़क पर फलक तक सफर फंसे हलक में पलक से छलकते आंसू जब किस्मत पलट दे दुनिया से अलग बड़ा फलक पाते कड़क सिर्फ ख्वाहिशें पूरी मुझे पसंद नहीं मशहूरी अगर कदर हो अधूरी मेरा सबर मेरी खूबी रहूं नजर में लोगों की चले खबर कहूं जो भी मेरी जिंदगी एक मूवी अपनी खबर खुदी को दी लेकिन नजम वो भी छूटी इनकी असर इनकी खूबी लगे चादर ये भी छोड़ी ना शुक्रों की भरती चोली साजिश जैसे यहूदी कमर पे छुरी होता हजमने में मूडी लफ्जों से चढ़ा दूसरी सर नहीं झुकते बोल कैसे हम